IQ12 5G Pro दो वेरिएंट में ये स्मार्टफोन आने वाला है। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर आपको 6.78 इंच का 2K सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है और इसका टच सैंपलिंग रेट है 300 हर्ट्ज तक। पीक ब्राइटनेस की यदि बात करूँ तो अब तक का सबसे ज्यादा ब्राइटनेस वाला ये स्मार्टफोन होने वाला है। 3000 निट्स की ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगी और IQ12 के अंदर 1.5 की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है और टच सैंपलिंग रेट 300 हर्ट्ज है और यहाँ पर भी पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स की देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो इंडिया का फर्स्ट स्नैपड्रैगन 8Gen 3 यहाँ पे प्रोसेसर दिया गया है। LPDDR5X रैम यहाँ पे दी गई है। UFS 4.0 स्टोरेज यहाँ पे यूज किया गया है, जो सबकी फास्ट है, मतलब 30% इंक्रीज इन CPU परफॉर्मेंस, 30% इंक्रीज इन GPU परफॉर्मेंस, मतलब पिछला इससे पहले जो भी डिवाइस था उससे इतना ज्यादा इन्होंने यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया है। और अंतु स्कोर की बात करूँ तो 2.1 मिलियन प्लस का यहाँ पे अंतु स्कोर निकल के आता है। और ये जो अंतु स्कोर निकल के आता है ये इस वाले वेरिएंट में आता है, 16GB की रैम 512GB की SSD के अंदर ये अंतु स्कोर निकल के आता है 2.1 मिलियन, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा वाला है। डिजाइन और कलर की बात करूँ तो 3 कलर में ये स्मार्टफोन आता है। कैमरा सेटअप की मैं बात करूँ तो इंडिया का फर्स्ट यहाँ पे 50 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल 3 कैमरे यहाँ पे दिए गए हैं। तीनों ही कैमरे फ्लैक्सिप है। 50 मेगापिक्सल का है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 64 मेगापिक्सल का है 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और 50 मेगापिक्सल का है यहाँ पे अल्ट्रोग्राफी कैमरा, जो कि टेलीस्कोप लेंस के साथ में आता है। और यहाँ पे 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30fps पे और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो 60fps पे। साथ में दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे मोड दिए गए हैं, जैसे कि सुपर नाइट व्यू, टेलीस्कोप जूम 1x 10x 40Hz, माइक्रोक्रोम, टेक्सचर कलर मोड और लैंडस्केप मोड, बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं। मैं गेमिंग की बात करूँ, यदि जो लोग गेम वगैरह खेलते हैं उनके लिए भी ये एकदम नेक्स्ट लेवल स्मार्टफोन होने वाला है गेमिंग के पर्पज से, क्योंकि यहाँ पे IDEO का Q1 वाला चिपसेट लगा हुआ है, जो कि 144fps के साथ में गेम फ्रेम रेट दे देता है। और लार्जेस्ट यहाँ पे कूलिंग सिस्टम यहाँ पे दिया गया है, जो कि सिस्के लार्ज अपोर चैम्बर का कूलिंग सिस्टम यहाँ पे है और ये 40% इंक्रीज है अपने, मतलब जितना भी आपका फ़ोन का एरिया है ना उसका 40% सिस्टम अपने फ़ोन को मतलब कवर करता है। इतना पावरफुल और दमदार यहाँ पे कूलिंग सिस्टम लगाया गया है ताकि आप लॉन्ग टाइम तक भी गेम खेलोगे तो आपका फ़ोन हीट नहीं करेगा। और चैम्बर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया यूज किया गया है। बैटरी की यदि मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे 5000mAh की बड़ी बैटरी 120W के फास्ट चार्जर के साथ में ये स्मार्टफोन आने वाला है। IQ12 और IQ12 Pro यहाँ पे 5100mAh की बड़ी बैटरी 120W के फास्ट चार्जर के साथ में आने वाला है। साथ में दोनों ही स्मार्टफोन, मतलब IQ12 और IQ12 Pro, दोनों ही 50W की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं और 10W का वायरलेस चार्जिंग किसी दूसरे पोर्ट को कर सकते हैं। और IQ क्लेम करता है कि 25 से 26 मिनट में दोनों ही स्मार्टफोन 100% चार्ज हो जाएंगे। रैम रोम और प्राइस की यदि बात करूँ तो दोस्तों ये फोन 2 वेरिएंट में आने वाला है, मतलब एक तो 12GB के रैम के आसपास आएगा, एक आएगा 16GB के रैम। दोनों में ही वर्चुअल रैम का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ में स्टोरेज की बात करूँ तो यहाँ पे 256GB और 512GB दो ही वेरिएंट में ये फ़ोन आने वाला है, 1TB का नहीं आएगा। साथ में इसकी प्राइस अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन एक्सपेक्टेड 55 से 60 हज़ार के बीच में ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। वो जो छोटा वाला वेरिएंट है 12GB 256GB वाला, वो अराउंडिंग 45 से 40 हज़ार के बीच में आने वाला है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही अपकमिंग स्मार्टफोन की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।